किड्स, आपको पता है ये कौन है? ये टुनु है, आपके जैसी एक छोटी सी बच्ची। लेकिन अभी घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक स्टोरी सुनाऊं। आप भी सुनोगे मेरे साथ स्टोरी? मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ स्टोरी, ठीक है? बहुत दूर किसी जगह पर सुंदर सा बाग था। वहां पर बहुत सारे हरे हरे पौधे थे और वहां पर एक गुलाब का पौधा भी था, साथ में कैक्टस भी था। गुलाब जो था वो बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। आपको लग रहा है सुंदर? बहुत सुंदर था वो। और वही कैक्टस जो था वो ज्यादा सुंदर नहीं था। रोज भाई मुझसे दोस्ती कर लो, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख तेरे बॉडी के ऊपर कितने सारे कांटे लगे हैं, मुझे तू बिल्कुल नहीं पसंद। देखो सब लोग देखो, हा, देखो कितना बदसूरत कैक्टस है। हम लोग इससे दोस्ती नहीं करेंगे, कोई भी इसके साथ दोस्ती मत करना। रोज भाई मैं बहुत उदास हो रहा हूँ, प्लीज तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और धीरे धीरे आया गर्मियों का मौसम। और गर्मियों के मौसम में क्या आता है? सूरज। मैं सबको जला डालूंगा, मैं चारों तरफ आग ही आग लगा दूंगा, गर्मी ही गर्मी फैल जाएगी। अरे कितनी गर्मी हो गई है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अरे मैं तो सूखने लगा हूँ, मुझे तो पानी की प्यास लगी है, मैं तो गिर जाऊंगा। ओ चारों तरफ सूखा ही सूखा था, कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। पंछी भी बहुत प्यास से इधर उधर भटक रहे थे। तभी एक चिड़िया आई और उसने कैक्टस से बोला, कैक्टस भाई मुझे पानी दे दो ना, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो। हाँ तुम ले लो, मुझसे पानी ले सकती हो बहन। और चिड़िया ने कैक्टस से पानी ले लिया। आप सबको पता है कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, तो चिड़िया ने वहां से पानी ले लिया। और ये सब वहां पर जो हो रहा था वो सब देख रहा था रोज, जो गुलाब का पौधा था वो ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन आप जानते हो गुलाब को क्या हो गया था तब तक? वो तो बेचारा एकदम सूख गया था। देखो कैसा सूखा हुआ हो गया, पूरे पत्ते झड़ गए उसके और उसका लाल रंग भी गायब हो गया। अब देखो वो खुद भी कितना अगली दिखने लग गया था। और इस तरह से जो गुलाब था उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसको ये महसूस हुआ कि देखो मैं अपनी खूबसूरती पर, अपनी सुंदरता पर कितना ज्यादा प्राउड करता था। तब उसने कैक्टस से कहा, कैक्टस भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाता था, लेकिन आज देखो तुम ही उस चिड़िया के काम आए, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी दे सकते हो? हाँ भाई तुम ले लो, जितना चाहे उतना मुझसे पानी ले सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर जब गुलाब ने कैक्टस से पानी ले लिया तब वो देखो क्या हुआ, उसे फिर से वो खिल गया, फिर से वो हरा भरा हो गया और वो दोनों फिर से मिलकर रहने लगे। अब गुलाब को कैक्टस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो उसकी बदसूरती का कभी मजाक नहीं उड़ाता था। और उसने हमेशा सबसे अब ये कहना शुरू कर दिया था, क्या बोला होगा उसने सबसे? उसने बोला इस स्टोरी का मॉरल कि कभी भी हमें किसी की सूरत को देखकर उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेवर जज एनीवन अकॉर्डिंग टू देयर लुक्स, ठीक है? कभी भी किसी को सुंदर या बदसूरत होने के लिए कभी किसी को ऐसा मत बोलो कि वो सुंदर है या बदसूरत है, या फिर अगर बदसूरत है, अगर किसी की शक्ल सुंदर नहीं है
तो कभी भी उससे ऐसा मत करो कि हम दोस्ती नहीं करेंगे। हमेशा सबको प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन के बाद वो लोग हमेशा प्यार से रहने लगे। आओ अब हम देखें, टुन्नू से पूछें कि उसको कैसी लगी ये कहानी। तो बताओ टुन्नू, तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? वाह, मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैंने भी एक सबक सीख लिया, मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और सबके साथ मिलजुल के रहूंगी, सबको अपना फ्रेंड बनाऊंगी। अब आप मुझे अगली बार फिर बहुत अच्छी कहानी सुनाना। बाय।